रविंद्र द्विवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार समिति आज 10वां वर्धापन जनादेश पाने के कार्यक्रम में आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 10 वर्षों से सूर्य दादा पाटिल ये कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ साथ में 10 वर्षों के अंदर में जो उन्होंने मुसीबतों के साथ ये समाचार कवरेज किया और कवरेज पूरे देश के अंदर में पहुँचाया। और मुझे अच्छी खुशी है कि गोपीनाथ मुंडे जी की जो 3/7/14 को हत्या कर दी गई और हमारे पूरे भारत में किसी चैनल पे नहीं आया और उस न्यूज़ को सभी ने दबा दिया। सूर्य दादा पाटिल ने 12/7/14 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि गोपीनाथ मुंडे जी की फर्स्ट फ्लाइट 3/7/14 की थी, 6:05 पर थी और उसको कैंसिल करके 7:05 पर किया गया, जो कि यह गोपीनाथ मुंडे जी की पर्सनल उनके अकाउंट से टिकट बुक किया गया था। किस अधिकार से, किस राइट से उनका टिकट कैंसिल किया गया, साथ साथ में जो एक्सीडेंट था वो एक्सीडेंट ऐसा था कि उसमें अपघात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुंडे जी बैक सीट पे बैठे थे और जिस डोर के ऊपर में वो एक्सीडेंट दिखाया गया है उस डोर के वजह से उनके पीठ के ऊपर में, बैक बोन पर, माइंड के ऊपर, हेड के ऊपर कोई भी इंजुरी आ सकती है। हमने 3/7/14 को प्रधानमंत्री के फैक्स नंबर 011-2301-9545 एवं दूसरे फैक्स पर 011-2301-6857 पर हमने फैक्स किया कि ये अपघात नहीं है, ये मर्डर है, ये मुंडे जी का मर्डर किया गया जानबूझकर के हमारे एक यंग और हमारे एक नेता का, जो हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, केंद्र के मंत्री थे, महाराष्ट्र में उनका अच्छा नाम है और योगदान है, उनका मर्डर किया गया, इसकी जांच कराई जाए, जो कि सीबीआई को जांच दिया गया। सीबीआई ने जांच बुझ करके सीडीआर रिपोर्ट को क्लोज कर दिया, और उन्होंने फास्ट रिपोर्ट भेज दिया कि मर्डर नहीं है, एक्सीडेंट है। मुझे बड़ी खुशी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस नंबर 512/14 दर्ज किया और मुंबई जो एडीजी रैंक के सीपी हैं और दिल्ली के डीजी रैंक के सीपी हैं उनको अपॉइंट किया, केस को फॉरवर्ड किया, वहाँ भी क्लोजर रिपोर्ट को इन्होंने डिस्पोज कर दिया। आज 22/11/19 को अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है कि मुंडे जी का मर्डर है, इसकी जाँच कराई जाए। पंकजा मुंडे जी का कल स्टेटमेंट आया है कि नहीं ये मर्डर है, मुझे भी मालूम है, हमारे परिवार के लोग डरे हुए हैं। पंकजा जी, मैं आपको 10 बार फोन किया होगा, कितने न्यूज में आया है कि नहीं ये मर्डर है, आपने ब्याज से जांच नहीं कराई। आप भी लालच में, भाजपा सरकार की लालच में, महाराष्ट्र के मंत्री के लालच में आपने ऐसा किया। मुझे बड़ी खुशी है कि जनादेश वृत्तवाहिनी ने 12/7/14 को, हमारे पत्रकार बंधु बैठे यहाँ पर, मीडिया लोग बैठे हैं, आप देखिए सुरेश दादा पाटिल ने कैसे इसको कवरेज किया, कैसे इसको प्रकाश प्रसारण किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। मुझे बड़ी खुशी है, ऐसे पत्रकारों को मैं धन्य देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ, आप ऐसे काम करते रहिए। महाराष्ट्र में, भारत में कोई भी किसी लीडर साथ, किसी नेता के साथ ऐसा बात होता है, हमारे भाइयों बहनों के साथ बात होता है, कवरेज करें, प्रकाशित करें, मैं शुभेच्छा देता हूँ कि सूर्य दादा पाटिल इसी तरह काम करते रहे। और मैं 12/12/2018 से 28/2019 तक पूरे महाराष्ट्र में घूमूंगा और किस तरह से मुंडे जी का मर्डर किया गया था, मैं एविडेंस दूंगा, सबूत दूंगा। मैं इसी तरह अपनी पेशकश खत्म करता हूं। सर, मैं 2006 महाराष्ट्र पोलीस दलात JRP लोहमार्ग मुंबई या ठिकाणी घाटकोपर या ठिकाणी भर्ती झाली, तेव्हापासून माझ्यावर एक चांगलं स्पोर्ट्समन म्हणून लक्ष दिलं आणि लवकरच मी अखिल भारतीय पोलीस स्पर्धेमध्ये मेडल जिंकून दिलं। मला अजूनही आठवते की 2011 रोहतक हरियाणा या ठिकाणी अखिल भारतीय कॉम्पिटिशन झालं, त्याच्यामध्ये माझं सिलेक्शन न्यूयॉर्क अमेरिका ह्या ठिकाणी वर्ल्ड पोलीस आणि फायर गेममध्ये झालं आणि त्या ठिकाणी अमेरिकेला जाऊन मी महाराष्ट्र पोलीस आणि इंडियन पोलीसचं एक प्रतिनिधित्व करून त्या ठिकाणी 3 गोल्ड मेडल जिंकून दिली।
हे करता करता महाराष्ट्र पोलीस दलाचं एक माझ्यावर विशेष लक्ष होतं. लगेच त्यांनी मला महासंचालक पद जे मेडल आहे ते त्यांनी मला मिळवून दिलं आणि दीड वर्षाच्या काळावधीतच मी असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणून ASI म्हणून मला बढती मिळाली. हे सगळं करताना मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की महिलांनी पुढे येऊन स्पोर्ट्समन त्याच खात्यात नाही तर बऱ्याचशा खात्यामध्ये आपण आपली प्रगती करू शकता. आणि विशेष मी धन्यवाद देत आहे महाराष्ट्र पोलीस दलाला की त्यांनी आतापर्यंत माझ्यावर चांगलं लक्ष दिलेलं आहे. मी जेव्हा माझे स्पोर्ट्स बंद केलं, खेळायला बंद केलं, त्यानंतर मी NIS म्हणून बँगलोर या ठिकाणी 2015-16 कोच म्हणून एक कोर्स कम्प्लीट केला, पूर्ण केला आणि आता सध्या महाराष्ट्र पोलीस दलाची एक ॲथलेटिक कोच म्हणून मी सध्या कार्य पाहत आहे. पत्रकारितेमे और जनादाश वृत्तवाहिनी को शुभेच्छा देता हूँ. और जो भी पत्रकारिता है ये हमारे सुरेश जी पाटिल साहब अतिशय मतलब बहुत निर्भीड़ लोगों में जाके लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं. इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ. और ऐसे पत्रकार इस भारत के अंदर राज्यों के अंदर निर्भीड़ मानने वाले और किसकी कैफियत अपने टेलीविज़न पर दिखाने वाले मांगता है. इसके लिए मैं मेरे संगठन से, मेरा राजकीय पार्टी नहीं है, मेरा सामाजिक संगठन है 99% समाजकारण 1% राजकारण, इस संगठन के तरफ से इनको बधाई देता हूँ. और इनकी अच्छा वाटचाल मतलब अच्छा तरक्की हो, इनका जो पूरी टीम है एक अच्छा टीम को मैं बधाई देता हूँ. और ये तरक्की हो, आने वाले देश के अंदर ये चैनल होना चाहिए, इतना ही कह के मैं रुकता हूँ. जय भारत, जय भीम. माझं नाव डॉक्टर राजेंद्र पाटील. मी डायरेक्टर मराठा मंदिर बाबासाहेब गावडे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज आहे. तसंच मी सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन ट्रेनिंग अँड रिसर्च इन नेचरोपॅथी त्याचा प्रेसिडेंट आहे. आणि जेव्हा जेव्हा मी सुरेशदादा पाटील यांना कॉन्टॅक्टमध्ये असतो त्यांनी खूप एज्युकेशन आणि सोशलमध्ये खूप आमचं रिकॉर्ड म्हणजे ब्रॉडकास्ट केलेला आहे. आणि आत्ता जस्ट मी जेव्हा छोटं ब्रीफ दिलं त्याच्यामध्ये सांगितलं इन्फॉर्मेशन वॉर ही न्यू कन्सेप्ट वर्ल्डमध्ये लॉन्च झाले. खूप वेळा काय होतं की काही लोक इन्फॉर्मेशन देतात छोटी असते आणि मोठ्या जी मोठी इन्फॉर्मेशन असते त्याला ते अवॉइड करून छोटी छोटी देत असतात. काही लोक छोटी देतात आणि मोठी करतात, म्हणजे थोडंफार दे प्ले द गेम. पर्टिक्युलरली दे गिव फेक इन्फॉर्मेशन म्हणा किंवा डायव्हर्ट करतात इन्फॉर्मेशन. पण ते सुरेशदादा पाटीलांनी एकदम क्लिअर कट पॉलिटिकल सोशल कल्चरल सामाजिक याच्यावर जास्तीत जास्त भर देऊन रियालिटीमध्ये जास्तीत जास्त एक्सपोज केलं आहे. आणि खूप लोकांना हे रिअल पिक्चर रियालिटी देण्याचा उद्देश त्यांनी कंटिन्यू ठेवला आहे. आणि त्यांनी शून्यातून चालू केलं, पण आज आता ते फक्त शून्यापासून दूर आहेत. इन द सेन्स त्यांचा आज 10वा वर्धापन आहे. मी आणखीन एक शून्य लावू सांगतो की त्यांनी इच्छित ते 100 वर्ष त्यांची वाहिनी त्याच्यापेक्षा चालू द्या. परत आणखीन ते 50,000-50,00,000 लोकांना मेसेज देतात, त्याच्यावर आणखीन एक 0.5 crore-50 crore असे म्हणजे सगळ्या लोकांपर्यंत वृत्त वाहिनी जाऊ द्या, हे माझी त्यांना शुभेच्छा आहे. 10वा वर्धापन दिवस की आपण बात किया, उसी तरफ आपके सोशल कार्यक्रम एक्टिविटी को सलाम किया गया है, आपको अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? जो अवार्ड फर्स्ट टाइम हमें कोई पत्रकार ने सम्मानित करके दिया एंड ये अवार्ड उन्होंने सामाजिक एजुकेशन उसमें दिया, रियली मी आई एम रियली प्राउड. माला खूब अवार्ड मिलाले, पण हे पर्टिक्युलरली पत्रकारांकडून मिळणं हे खरोखर मानस्पद आहे. मी इवन एक आम्ही कंपनी पत्रकार याच्यामधून काढली होती, दॅट इज मास वर्ड मीडिया, पण ती बरोबर नंतर चालली नाही, नंतर ती बंद झाली. का तर त्यातून परत डायव्हर्ट झाला. पण सुरेशदादा पाटील जे करतात रिअली मी त्यावेळेला पण मी बघितलं, त्यांनी अनवॉन्टेड लोकांना दिले, म्हणजे आता अनवॉन्टेड म्हणजे नॉट नेसेसरी छोटं मोठं, पण एक पर्टिक्युलर एरिया पर्टिक्युलर सेक्टर याच्यामध्ये सुरेशदादा पाटीलांनी हात टाकला आहे. आणि तो खरोखरच
रियलिटी म्हणजे सामाजिक दृष्टिकोनातून एकदम भव्य आहे।